जो अपराधी घूम रहा है और हम हाथोड़े खड़े हैं, कहीं बच्चियों को ड्रेस बोले, उसके बाद भी हमें ही राशन मिल जाता है। इसलिए तो मुझे नहीं लगता कि मैं इनकम टैक्स हो जाए, सही दिशा में जा रहा है। क्या आप यहाँ से दोबारा सोच रहे हैं जंतर मंतर जाने के लिए, यहाँ से क्यों नहीं ला रहे क्यों यार? घर जाने का तो कोई मतलब ही नहीं है भाई, जब तक न्याय नहीं मिल ज्यादा जाता। काम आ रहा है इधर। अभी जाके 10 घंटे से जो हमारे साथी हैं सब अलग अलग डिटेल करे थे, गिरफ्तार करे थे, तो अभी सबसे लास्ट में मेरे को ही छोड़ा गया। सभी 7 बजे 7:30 बजे छोड़ दिए थे, लेकिन सबसे लास्ट में मेरे को ही छोड़ा गया। एक बार जाके मिलकर बैठ के बात करेंगे, उसके बाद जंतर मंतर पूरी तरह से साफ कर दिया गया है। कोई नहीं, वो तो कह लीजिए, वहां पर किसी की भी एंट्री भी नहीं दी जा रही है ना, मीडिया कर्मी ना आपके समर्थन जो लोग आ रहे थे किसी को भी। कोई नहीं, वो सुबह एक बार बैठ के बात करेंगे, उसके बाद अभी जंतर मंतर जाने का फैसला है या नहीं? अभी एक बार मैंने बताया साथियों से, लेकर बैठ के बात करेंगे, उसके बाद करेंगे। आज नई पार्लियामेंट का उद्घाटन था, प्रदूषण भी वहां पर पहुंचे थे, कैसे कुछ देखा दिन का आरोपी नई संसद भवन का उद्घाटन लोकतंत्र भवन का उद्घाटन हो रहा है और एक आरोपी इसमें बैठा है, तो ये देश के लिए बड़ा दुर्भाग्य। क्या अगर सोर्सेज बता रही दिल्ली पुलिस ने आज तक बच्चों को करना करके ऑर्गेनाइजिंग का मुकदमा कर दिया? हमारे ऊपर तो कर ही देती है, और इस मौसम क्या फाइल करने में 7 दिन लगा दिए, खिलाड़ियों के 7 घंटे भी लगा है। ये तो दिल्ली पुलिस के लिए तो मेडल मिल जाता है। ठीक है, आपके साथ पहुँचे देखिए, जो आज मैंने पार्लियामेंट का जो नया भवन था उसके उद्घाटन समारोह में मैंने पहलवानों के समर्थन में उसका बाइक काट किया, बहिष्कार किया था, पार्लियामेंट का नया भवन गया नहीं था। और ये भारतीय जनता पार्टी का जिस तरह प्रधानमंत्री की कोई राष्ट्रीय गवर्नमेंट नहीं, कर्नाटक की आड़ और पहलवानों का जो आंदोलन करता था, इससे जनता का ध्यान बचाने के लिए आनंद फन में एक कार्यक्रम किया गया पार्लियामेंट का, और मैंने बहिष्कार के पहलवानों के समर्थन में इस कार्यक्रम में नहीं जाना था। दुर्भाग्य की बात है, देश के पहलवान जिन्होंने का नाम ऊंचा किया, ये कुछ तरफ जा रहे थे पार्लियामेंट, इसका पुलिस ने बल प्रयोग करके हमारे अंतर्राष्ट्रीय स्तर के पहलवानों के साथ हमारी बेटियों के साथ व्यवहार का उचित बनी है। और मैं पिछले 2 घंटे यहाँ बैठा हूँ, मुझे लगता नहीं क्या प्रदूषण का स्वागत पार्लियामेंट के अंदर होगा। सर ये सलाहन करके इनको थाने के अंदर रखा गया दुर्भाग्यपूर्ण है। हम लोग इनके साथ शुरू से पहले जिनसे मेरी पार्टी एक बार ये लोग मिलकर तय कर सकते हैं, आगामी उनकी जो भी रणनीति होगी राज्य लोकतांत्रिक पार्टी पहलवानों के साथ नहीं मिलेगी। देश के नाल कितना पड़ी तुम जिस तरह किसान आंदोलन के अंदर एनडीए छोड़ के अलग हुए थे, अब उसमें तो पड़ते राजस्थान से तमाम जो हाईवे पे पहुंचे हम वापस हाईवे जाम करें।